जनित में जा रही ये हमारे प्रोडक्शन की फर्स्ट फिल्म है जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसमें नुसरत बारूचा हैं, अगेन फैंटास्टिक एक्टर। ये पोस्टर में हमने डिज़ाइन करते वक्त जो हमारे डिज़ाइनर थे पारस, उनको यही कहा था कि हमें हिंदुस्तान, हमें औरत और हमें पॉपुलेशन, ये तीन चीज़ का ख्याल रखना है और उन्होंने ये पोस्टर हमें बना कर दिया। आपको ये फिल्म वुमन सेंट्रिक फिल्म है और एक एक लड़की की कहानी है और वो लड़की कैसे भारी पड़ती है सब पर। यह पोस्टर है ड्रीम गर्ल जैसी धुआंधार कमाई करने वाली फिल्म के राइटर डायरेक्टर राज शांडिल्य की अगली फिल्म जनहित में जारी का। इस फिल्म को राज शांडिल्य प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसके निर्देशन की कमान संभाली है मैरी कॉम बनाने वाली डायरेक्टर ओमंग कुमार ने। NowBharatTimes.com से हुई खास बातचीत में राज शांडिल्य ने कहा, जनहित में जारी मेरी अगली फिल्म है जिसे मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। यह एक महिला प्रधान फिल्म है जिसमें नुसरत बारूचा लीड रोल में हैं। यह फिल्म मैसेज देने वाली छोटे बजट की है। पूरी फिल्म नुसरत बारूचा के कंधों पर है। जनहित में जारी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो सब पर भारी पड़ जाती है। आइए देखते हैं राज शांडिल्य का यह पूरा इंटरव्यू। मैं ये देख रहा था आपके ऑफिस आया हूँ तो नजर पड़ गई, पोस्टर देखा है तो इस पे कमेंट। जनहित में जारी ये हमारे प्रोडक्शन की फर्स्ट फिल्म है जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसमें नुसरत बारूचा हैं, अगेन फैंटास्टिक एक्टर, और साथ में पावेल गुलाटी हैं जो थप्पड़ फिल्म में आए थे, बहुत अप्रिशिएट हुआ था उनका काम, तो उन दो को हम दोनों को लेकर आए हैं। और जनहित में जारी जैसा आप टाइटल देख रहे हैं तो ऐसा कुछ लेकर आए हैं जो भरपूर ह्यूमर के साथ एक मैसेज है और वुमन सेंट्रिक फिल्म है। ऐसा जो पोस्टर दिख रहा है मुझे, आप डिस्क्राइब कर सकते हैं? ऐसा लग रहा है कि कुछ मतलब पॉलिटिकल है, देश है, मानचित्र है भारत का, फिर माइक दिख रहा है, हाँ एक लड़की का हाथ है, तो जाहिर की बात है। इस पोस्टर को डिज़ाइन कैसे किया था और जितना आप बता सकते हैं उतना आप बता दीजिए। ये पोस्टर में हमने डिज़ाइन करते वक्त जो हमारे डिज़ाइनर थे पारस, उनको यही कहा था कि हमें हिंदुस्तान, हमें औरत और हमें पॉपुलेशन, ये तीन चीज़ का ख्याल रखना है और उन्होंने ये पोस्टर हमें बना कर दिया। और अनाउंसमेंट्स होनी चाहिए तो अनाउंसमेंट के लिए वो स्पीकर देख सकते हैं। एंड इसमें जब फिल्म रिलीज हो जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि एक बहुत बड़ी चीज़ छुपी हुई है इसमें, तो वो ऐसे समझ में नहीं आएगी, वो जब मैं जब फिल्म देखें तो समझ में आएगी आपको, तो लोग रिलाइज होगा रही ये तो अच्छा ये चीज़ है। क्या बात है, दैट्स द थिंग। सुपर, तो क्या कहना चाह रहे हैं आप थोड़ा सा जितना आप मुझे? ये तो मैंने बताया ना आपको, ये फिल्म वुमन सेंट्रिक फिल्म है और एक एक लड़की की कहानी है और वो लड़की कैसे भारी पड़ती है सब पर, तो वो देखेंगे फिल्म। इसकी क्या प्रेडिक्शन कर रहे हैं आप, मेरा माइक? हाँ। इसकी प्रेडिक्शन क्या है आपको? क्या इसके प्रेडिक्शन ये है कि ये बहुत एक छोटी बजट की फिल्म है लेकिन मैसेज बहुत बड़ा है। हाँ। तो मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का कुछ नहीं करूंगा लेकिन फिल्म फॉर श्योर पसंद आएगी लोगों को। नुसरत के लिए कितनी वो रहेगी क्योंकि उनके ऊपर है, उनके कंधों? नुसरत की फिल्म है, पूरी नुसरत की ही फिल्म है। आपको कुछ वेलकम बैक का याद आता है कि जब आप उसकी कहानी स्क्रिप्ट लिख रहे थे, आप डायलॉग आप लिख रहे थे, कोई ऐसी दिलचस्प बात अनीस अपने अंदाज से लिखते हैं, एक अलग आज़ादी देते हैं, कुछ अगर आप बता सकें? हुआ ये कि मैं उन दिनों टीवी करता था और मुझे उनके एसोसिएट डायरेक्टर हैं मिस्टर इशरत खान, जो बाद में मेरी जो फिल्म है ड्रीम गर्ल उनके भी एसोसिएट रहे, उनका मुझे फ़ोन आया कि एक अनीस साहब मिलना चाह रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, बहुत मैं तो उनका अनीस साहब का मैं शुरू से बड़ा फ़ैन रहा हूँ, उनकी फिल्मों का फ़ैन रहा हूँ, उनकी राइटिंग का बड़ा फ़ैन रहा हूँ। तो मैं जब मिलने गया उनको, उन्होंने बताया कि मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे दो सिचुएशन दी, मुझे ये नहीं बताया कि किस फिल्म के लिए है क्या है, कि ये दो सिचुएशन पर आपको दो सीन लिखने हैं, और पूछा कब तक देंगे आप लिख के। मैंने बोला मैं अभी आधे घंटे में देता हूँ आपको, तो उन्होंने इतनी जल्दी, मैंने सर टेलीविज़न वाले हैं, हमें थोड़ा जल्दी लिखने की वैसे आदत है, हम लोग को हर हफ्ते देना पड़ता है, उन्हें नहीं आप आराम से वक्त लीजिए और आराम से कल करके लेके आइए, दो दिन तीन दिन चार दिन जो दिन। मैंने नहीं सर मैं कल आता हूँ फिर। और मैं नेक्स्ट डे दोनों सीन लिख के गया बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि यार ये तो हो गए, मज़ेदार सीन बने। और वहाँ जब पहुँचा तो मैं ऐसा पूरा, उनका एक सिटिंग रूम है वहाँ पर सब लोग बैठे, सात आठ लोग बैठे हुए थे और ऐसा पंखा घूम रहा था, कर रहा था, तो मैंने कहा सर पंखा ऑफ कर दें, आवाज़ ज़्यादा कर रहा है।
पंखा बंद हुआ और मैंने सुनाना शुरू किया। सुनाना शुरू किया साहब, कोई हंसे ही ना, किसी को हंसी नहीं आई। मैं सबके रिएक्शन देख रहा हूँ, लोग हंसी नहीं रहे। मैं मन मन में सोच रहा हूँ यार ये क्या हो गया। अब जो सीन मेरे 1.5 मिनट का लिखा था, 1.5-2 मिनट के सीन लिखे थे, वो मुझे 8-8 घंटे के लगने लगे। मैंने कहा कैसे ख़त्म करूँ जल्दी से, और मैंने ख़त्म किए दोनों सीन और उनमें से कोई नहीं हंसा। तो अनीस साहब बोले ठीक है, बुलाते हैं आपको, बताते हैं। मैंने गाड़ी निकाली, मैं बाहर गया, मैंने गाड़ी पार्क की, उनका फ़ोन आया। गाड़ी चलाते चलाते मेरे को ये लग रहा था कि करियर शुरू होने से पहले ख़त्म हो गया है, तो क्योंकि ये तो हंसते ही नहीं। लेकिन मैंने सोचा कि जब मैंने स्क्रिप्ट में तो कॉमेडी है, लेकिन ये हंसे क्यों नहीं, यू नो। तो उनका फ़ोन आया इशरत साहब का कि वो अनीस साहब मिलना चाह रहे हैं कल। मैंने बोला क्या करोगे मिलके भाई, हंसते तो हो नहीं तुम लोग। कि नहीं नहीं कल